हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट जीके ऑफ क्लास 5, चैप्टर नंबर 22, डांस एंड सॉरी द चैप्टर नेम इज लुकिंग बियॉन्ड द अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ के बाद देखने वाले या फिर अर्थ को देखने वाले लोग कह लीजिए। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है, आपको उनका नाम लिखना है यहां से हेल्प लेके। ओके, फर्स्ट इज ही वाज द फर्स्ट हु सजेस्टेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द रोमन कैथोलिक चर्च बैंड हिज बुक फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स। यहां बता रहा है कि ये पहले थे इंसान जिन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये कौन है? ये है निकोलस कॉपरनिकस। ओके, फिर है थ्रू हिज ओन टेलीस्कोप ही वॉज दैट जुपिटर हैज फोर मून्स। इन्होंने अपने ही टेलीस्कोप से, मतलब अपने ही बनाए हुए टेलीस्कोप से देखा कि जुपिटर के कितने मून हैं? चार मून हैं। ये कौन है? ये हैं गैलीलियो गैलीली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड नंबर इज ही डिस्कवर्ड यूरेनस इन 1781। ही वॉन्टेड टू नेम दिस प्लैनेट जॉर्ज आफ्टर किंग जॉर्ज थर्ड, बट द नेम यूरेनस वॉज इवेंचुअली चूजन। मतलब इन्होंने यूरेनस को 1781 में ही डिस्कवर किया था, ये नाम देना चाहते थे उस प्लैनेट को जॉर्ज। ठीक है, लेकिन जॉर्ज जो कि एक किंग था, तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है विलियम हर्शल। ओके, विलियम हर्शल। आफ्टर दैट द सेकेंड फोर्थ नंबर इज ही वॉज द ग्रेट अमेरिकन बॉक्सर बिफोर ही टर्न टू एस्ट्रोनॉमर ही सॉरी अ बिग टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर हिम। कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े अमेरिकन बॉक्सर थे, इन्होंने एस्ट्रोनॉमर को एक बड़े टेलीस्कोप में बदलने से पहले इनके नाम के आगे आता है। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है एडविन ह्यूबल। ओके, एडविन ह्यूबल। फिर फिफ्थ नंबर पे है ही वॉज द जर्मन एस्ट्रोनॉमर हु डिस्कवर्ड द बेसिक रूल्स अबाउट द प्लैनेट मूव। इन्होंने बेसिक रूल बताया जो कि प्लैनेट मूव करता है। ये एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे, तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है जोहन्स कैपलर। ओके, नाउ सिक्स नंबर इज अ फेमस कॉमेट इज नेम्ड आफ्टर दिस ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर। ही प्रिडिक्टेड दिस सॉरी ही प्रिडिक्टेड पार्टिकुलर कॉमेट वुड रिटर्न आफ्टर 76 ईयर। इनका क्या नाम है? इनका नाम है एडमंड हेली। ओके, इन दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।